विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, जो फैसले हो रहे हैं उससे दलित समाज आहत है। पार्टी हमारे लिए बड़ी है लेकिन समाज की आवाज उठाना भी जरूरी है। जिस मंच पर जरूरी होगा हम आवाज उठाएंगे, हमें आलाकमान और कमेटी पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को लेकर काली आर लौटने की खबरें गलत हैं, फोन टैपिंग पर भी सच सामने आ जाएगा, लेकिन जनता के काम असल मुद्दा है। जिन विधायक के फोन टैप हो रहे हैं वे सीएम को अवगत करवा चुके हैं, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं भी सीएम को पूरी जानकारी दे दूंगा। मंत्री जी ने पिछले साल ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया उसके लिए हमने सबने शहर से उनका भी स्वागत किया, क्योंकि गरीब कोई जाति देख के नहीं होता, गरीब गरीब होता है। उनको आरक्षण दिया उसके लिए हमें तकलीफ नहीं है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद है। लेकिन जिस तरह से जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों से हम लोगों को आघात पहुंची है, विशेषकर एसटी के लोगों कि हमारी महिलाएं जो 3 साल से वेटिंग कर रही हैं, आपके सामने सब लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, उनका सिलेक्शन हो गया है, राजकीय सेवाओं में चयनित हो गई हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है उनको कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ का नहीं बन पाया है। हमने आलाकमान से भी मांग की थी, माकन साहब से बच्चे जाके मिले थे, मैं खुद भी गया था और उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब भेज दिया, मंत्री को पता नहीं रहता। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री को पता नहीं रहता लेकिन सुभाष गर्ग जी को पता रहता है कि मंत्री जी की चिट्ठी हमने आलाकमान को भेज दी। ये बड़ी शर्म की बात है।